किसी भी त्योहार का मजा तब कई गुना बढ़ जाता है जब उसमें परिवार शामिल हो जाता है। त्योहारों में शामिल परंपराएं परदेश में बसे अपनों को भी करीब खींच ही लाती हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है छठ पर्व से पहले रेलवे स्टेशनों का, जहां भारी संख्या में छठ पर्व में शामिल होने के लिए अपने घरों का रुख कर चुके लोगों का जमावड़ा सा लग चुका है। वहीं रेलवे ने भी अपने इंतजाम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। सुरक्षा, सुविधाएं और जानकारियां यात्रियों तक पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। यही नहीं, हर एक के पास जाकर आरपीएफ के अधिकारी न सिर्फ उनकी परेशानियां पूछ रहे हैं, बल्कि उन्हें नई सुविधा ट्रेनों की जानकारियां भी दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आरपीएफ ने एक स्लोगन लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि हम हैं आपके हम सफर, यानी जो यात्री दिख रहे हैं, जो यात्रियों का एक पांडाल दिख रहा है, जो छठ की यात्रा पर बिहार जाने वाला है, जो भारी भीड़ है, उसके हम सफर बनने अपने को बताने के लिए आरपीएफ ने एक कैंप लगा रखा है, एक तरीके से एक पूरा टेंट लगा रखा है जिसमें शौचालय से लेकर के पीने के पानी की व्यवस्था है। और आप देख पाएंगे कि हर यात्रियों के लिए कुछ ना कुछ है, यहाँ पर खस्ता भोजन की बात है और यहाँ पर विशेष रेलगाड़ियाँ जो जिनकी सूची है यहाँ पे ये भी टंगी हुई है, और जो घोषणाएं हो रही हैं वो तमाम तरीके से ये हो रही हैं कि यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन उनसे छूट ना जाए। जहाँ जहाँ ट्रेनें खड़ी हैं, जिस तरीके से चलनी है, उनकी समय सारणी से लेकर के खाने पीने की तमाम व्यवस्थाएँ, और यही नहीं, चोरी चकारी या झपट मारों से बचने के लिए भी आरपीएफ विशेष रूप से मुस्तैद है। कुल मिलाकर के ये जो लिखा है कि हम हैं आपके हम सफर, इसके लिए आरपीएफ के जवान यहाँ अच्छे तरीके से मुस्तैद दिख रहे हैं और यात्रियों की सुखद यात्रा के लिए अपने आप को समर्पित किए दिखाई देते हैं। कैमरा पर्सन आकाश गर्ग के साथ देवनाथ, एक्सपोज इंडिया। लगभग 450 स्टाफ यहाँ आनंद विहार में आरपीएफ और लगभग 100 आदमी जीआरपी का स्टाफ लगा हुआ है। 550 आदमी दिन रात यहाँ यात्रियों की सुरक्षा और उनके लिए लाइन व्यवस्था और ट्रेन पे उनकी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। सामान तो ऑब्वियसली वो लोग जो ज़्यादा है उनके पास, वो जो जाना चाह रहे हैं अपने छठ पूजा के लिए, तो सामान ले जाते हैं, और उसकी हमारी तरफ से पूरा ध्यान है कि उनका कोई सामान चोरी ना हो। निगाह लगाई हुई है, 15 अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरा हम लोगों ने लगाए हैं जिससे हमारे आदमी बैठ के मॉनिटर कर रहे हैं। भले ही सफर में परेशानियां और कठिनाइयां आएं, लेकिन घर पहुंचकर अपनों से मिलकर थकान भी काफूर हो जाती है। रेलवे ने स्टेशनों पर इंतजाम भी कुछ इस तरह से किए हैं कि यहां के अपनेपन में भी घर जैसी अनुभूति हो ही जाती है। खाना और पानी दोनों सस्ती दरों पर मुहैया कराए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था की गई है, रेलवे की तरफ से सुरक्षा सुविधा की गई है। खाने की ये कितने रुपए की है? और 15 रुपए में 7 पूरी मिल रही है, आलू की सब्जी है, अचार है और मिर्ची है। अच्छा, और पानी भी है? पानी हम 15 रुपए का दे रहे हैं, जो गवर्नमेंट ने चला रखा है रेट 15 रुपए का। हम लोग सारे खोल के दिखाएंगे कि उस डब्बे में क्या क्या है। 15 रुपए में हम दिखाते हैं आपको इसमें क्या क्या मिलेगा यात्रियों के लिए। ये 15 रुपए का डब्बा है, इसमें 7 पूरी है, सब्जी है, अचार है, ये सब कुछ आपको 15 रुपए में मिलेगा यहाँ पे। कुछ तो इन इंतजामों से बहुत खुश हैं, तो कुछ कमियों से नाराज भी नजर आए। आप यहाँ पे आए हैं, हाँ, आपको खाना कैसा लगा ये बताइए। खाना मिला जुला कर ठीक है, अब उतना ताजा तो ताबा में से निकलता नहीं है कि ताबा मिले, थोड़ा सा आगे पीछे का है। खाना मिला जुला कर ठीक है। अच्छा, खाना ठीक है, जो व्यवस्था की है आप उसे? हाँ, ये ठीक है, व्यवस्था सही है, बस अब कि बोर्ड पर लिखना चाहिए 30 रुपया चावल, 15 रुपया रोटी, समझ कि नहीं, तो वो गलत लिखा हुआ है। हाँ, भ्रमित हो जाते हैं लोग, भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, यही मेरा कहना है, दूसरा कोई नहीं। जैसे आपने लिखा है उसे पर आप लिख लो। दिल्ली में आप खड़े हैं, दिल्ली में इतना सस्ता खाना नहीं मिलता? नहीं मिलता सर, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया बात चीज है। पानी भी 15 रुपए मिल रहा है, कहीं और मिल रहा है 20 रुपए का, कहीं 25 रुपए का बेच रहे, बहुत बढ़िया चीज है, 15 रुपए मिल रहा है, बढ़िया चीज पानी है। आरपीएफ ने सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता कर रखे हैं। सामान कितना भी हो, बिना चेकिंग के आगे नहीं जा सकता। वहीं चेकिंग के समय यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके भी खास इंतजाम किए गए हैं। बिहार के लोकप्रिय त्योहार छठ का असर यहाँ पे भी दिखा जा रहा है। बिहार जो रेलवे स्टेशन है जहाँ पे बिहार के तमाम यात्री यहाँ से यात्रा करते हैं, और इस समय चूँकि छठ का पर्व है और इसके लिए बहुत सारे तादाद में यात्री आपको दिखाई देंगे।
पास ही में यात्रियों के लिए जो टेंट लगा है उसमें LCD पर भोजपुरी गीत बज रहे हैं। वहीं टेंट में ट्रेनों की समय सारणी भी लगाई गई है ताकि ट्रेनों के आवागमन को लेकर किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। जब इंतजाम इस तरह के हो तो कोई क्यों ना कहे थैंक यू रेलवे, लेकिन बाकी समय पर भी ट्रेनों में इस तरह के सुरक्षा इंतजाम रहे तो यात्रियों का भरोसा RPF और रेलवे दोनों पर ही बढ़ जाएगा। फिलहाल छठ पर्व को देखते हुए यात्रियों की सुविधाओं के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। कैमरामैन आकाशधर और शहनवाज के साथ सोनू सिंह और देवनाथ, एक्सपोज इंडिया, दिल्ली।